फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज हम 10.5 इंच की बाजू की कटिंग देखेंगे। मैं आपको जस्ट दिखा रही हूँ, इसीलिए मैंने पेपर को जो है वो डबल फोल्ड यहाँ पर रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप दो बाजू निकालना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी फोल्ड करके इसको ले सकते हैं। एक में दोनों बाजू शायद से निकल जाएगी आराम से। इस तरह आप डबल फोल्ड करके इसको इस तरह से रख सकते हैं, तो आपकी दोनों बाजू की कटिंग हो जाएगी। मैं अभी आपको दिखाने के लिए एक ही बाजू की कटिंग यहाँ पर बता रही हूँ। तो मैंने पेपर को इस तरह से डबल रख लिया है और इस साइड से जो है हमको बाजू की हाइट गिननी है। तो 10.5 इंच, जैसे मैंने आपको बताया 10.5 इंच की मैं बना रही हूँ, तो 10.5 इंच पर मैंने एक मार्क लगा दिया यहाँ पर। अब हमको यहाँ पर जो होता है आर्म होल आपका कितना है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका आर्म होल 6 इंच का है बाय चांस, तो आपको सपोज इस तरह से अगर आपका आर्म होल होगा, यहाँ पर 6 इंच है, तो आपको इस तरह से इसको गिनना है। जैसे यहाँ पर 8 इंच आ रहा है, तो इसी तरह से आपको आर्म होल जो है वो गिनना है। तिरछी साइड में आर्म होल आपको गिनना है, त्रिकोण में। तो यहाँ पर 8 इंच आ रहा है, तो मैं पूरा यहाँ पर 8 इंच ले लेती हूँ और इसमें 1/2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन भी मैं रखने वाली हूँ। तो 8.5 इंच मैंने यहाँ पर मेजर कर लिया है, तो ऊपर की साइड में भी हम 8.5 इंच पर मेजरमेंट ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 8.5 इंच हो रहा है। अब इसको हम इस तरह से स्क्वायर बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से ये स्क्वायर बन गया है। अब हमको यहाँ पर जो है वो 1 से 1.5 इंच आगे लेना है इस तरह से, और यहाँ पर इसका डाउन लेना है 3 इंच के लिए। 3 इंच पर यहाँ पर डाउन लेंगे। इस डाउन को हम 1/4 इंच तक अंदर खींचेंगे। यहाँ पर सीधी लाइन लगा लेंगे। 1/4 इंच तक लिया है मैंने, तो ये देखिए ये इस तरह से सीधी लाइन हो गई है। अब यहां से हमको इसका आकार देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। और अब इसी की ओर से 1/2 इंच नीचे की ओर आकार देना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारे दो आकार यहाँ पर बन गए हैं। ये हमारा 1/2 इंच का जो ब्लाउज का आकार होता है, आगे और पीछे दोनों का अलग अलग होता है। जैसे ये ऊपर वाला आर्म होल है और ये जो है वो आगे वाला आर्म होल है, ये पीछे वाला, ये आगे वाला। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बाजू की जो घेर है वो लेना है। सपोज अगर आपका बाजू का घेर आपको गिन लेना है कितना है, अगर आपका बाजू का घेर पूरा जो 14 इंच आता है तो आपको उसका आधा लेना है, अगर आपका 12 इंच आता है तो उसका आधा, जैसे 6 लेना है। तो अगर 14 इंच आ रहा है तो आपको 7 लेना है, 12 इंच आ रहा है तो 6 लेना है। मेरा यहाँ पर पूरा 13 इंच है, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 6.5 इंच। 6.5 इंच पर मैंने एक मार्किंग कर ली है, तो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पर इस तरह से तिरछा जोड़ देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको एक्स्ट्रा मार्जिन अगर आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 या 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रख लूंगी, जो हमको बाद में सिलाई में भी काम आएगा। बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे, जितना आप ब्लाउज में रखते हैं उतना ही रखा तो भी बहुत है। तो अब इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने के लिए हमको मार्जिन के साथ कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले ऊपर वाला आर्म होल को हटाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो आर्म होल है ये बैक साइड का आर्म होल होगा। ये देखिए, ये बैक साइड वाला आर्म होल है और ये जो है फ्रंट साइड वाला आर्म होल है। इसको इस तरह से खोल के आप कट कर सकते हैं या फिर आप बंद में भी ऐसे ही कट कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से हम कट कर लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से कटिंग हो गई। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 10.5 इंच की पूरी बाजू की कटिंग हमारी हो गई है। अगर आप कम ज्यादा चाहते हैं तो आप उसी तरह से ले सकते हैं। अगर यहाँ आप कम ले रहे हैं, जैसे 5 इंच वाली भी ले रहे हैं, तो भी आपको डाउन जो है वो 3 ही इंच यहाँ पर देना होगा, अगर आप 5 इंच का भी बना रहे हैं तो भी। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप जरूर बता दीजिए। अगर वीडियो आपको यूजफुल लग रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी टाइप्स की और भी वीडियोज को देखने के लिए मेरे चैनल पर आप हमेशा आते रहिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।